हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके टू पार्ट्स हो चुके हैं हमारे और आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों मेथड हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम पहले रीअरेंज करेंगे। तो इनको करेंगे हम रीअरेंज। अब ये आ जाएगा 3x - 5y, और ये -4 था, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब जो दूसरी इक्वेशन दी गई थी उसको हम रीअरेंज करते हैं, ये आ जाएगा 9x - 2y = 7, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब तो अब हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम x वेरिएबल के कोफिशियंट को सेम करेंगे। तो ये 3x है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 9x, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन में भी 9x दिया गया है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9x - 15y = 12। इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दूंगी। अब ये देखो, इनमें 9x और थर्ड इक्वेशन में भी 9x हो गया है और दोनों का सेम साइन है। तो अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 9x - 2y = 7, और हम थर्ड इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें करना होता है कि जो नीचे इक्वेशन राइट की है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने साइन चेंज कर दिए हैं। अब ये अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आ गया -5, और ये y वेरिएबल के भी अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 13y। ये 9y के कैंसिल हो गए हैं तो ये आ गया है y = -5/13। अब हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y = -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे y वेरिएबल था वहाँ पे हम राइट करेंगे -5/13। तो ये आ गया 3x - 5 × -5/13 = 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 25/13 = 4। 3x = 4 - 25/13। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा आ गया 13, और नोमिनेटर में आ जाएगा 52 - 25। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ गया है 7/13। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 27/13 × 3 था, तो ये कैंसिल होने के बाद आ गई है लास्ट में 9/13। ये हमारी x की वैल्यू हो गई है। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे, हैंस x = 9/13 and y = -5/13। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई करते हैं इन दोनों इक्वेशन पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम बना लेते हैं x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x = 4+5y/3। अब जो ये x की वैल्यू आई है हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 × 4+5y/3 = 2y+7। ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हम 4+5y से कर देंगे तो ये आ जाएगा 12+15y = 2y+7। अब जो y वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ये आ गया 15y - 2y = 7-12। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13y = -5/13। तो ये हमारी आ गई है y की वैल्यू। इसको हम पुट कर देंगे अब थर्ड इक्वेशन में। पुट y = -5/13 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा x = 4+5 × -5/13,
और बाय में हमारा था 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस और साथ में आ जाएगा ये 5 इंटू 5 था माइनस का, तो माइनस 25/13 आ गया। और जो डिनोमिनेटर में 3 था उसको मैं बाहर ले लेती हूँ एज अ कॉमन, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया है वो आया है 13 और नोमिनेटर में आ जाएगा 52 माइनस 25 एक्स इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट के अंदर सोल्व करने के बाद आ गया 27/13। अब 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 9/13। तो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई है 9/13। लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस एक्स इज इक्वल टू 9/13 एंड वाई इज इक्वल टू -5/13। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसको भी हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम आ गया है 6 और नोमिनेटर में आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे नोमिनेटर में जो हमारे नंबर्स हैं वो हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब दूसरी इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आया है 3 और नोमिनेटर में आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब डिनोमिनेटर को हम छोड़ देंगे और नोमिनेटर में जो नंबर आए थे वो हम राइट कर लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। तो अब हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का जो कोफिशियंट है वो 3 है, तो ये पहले से ही सेम है। और अब हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे तो हम ये करते थे कि कोफिशियंट हमें मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से सेम बनाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास पहले से ही ये हो चुका है 3x दोनों में, तो अब हम इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमने राइट कर ली हैं। और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम इनके साइन चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो गया है। अब ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये ऐड हो जाएंगे, 15 आ गया है। ये दोनों वाई वेरिएबल के साइन नेगेटिव थे तो ये -5 हो गया ऐड होके, और ये था हमारा अपोजिट साइन, ये कैंसिल हो गए हैं। अब वाई इज इक्वल टू 15/-5 आ गया है और ये कैंसिल होने के बाद आ गया है वाई इज इक्वल टू -3। अब जो वाई की वैल्यू आई है -3 वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट वाई इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9-3। एक्स इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया है 6 और बाय में आ जाएगा 3, ये इधर आ गया है 3। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ गई है 2। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे जो हमने सिंप्लीफाई की थी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू बना लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -6 -4y/3। अब ये हमारी x की वैल्यू हो गई है और इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया 3 इंटू -6 -4y/3 -y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -6 -4y -y इज इक्वल टू 9, ये हमारा
आ गया है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब वाई वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, ये आ गया माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्स, माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई माइनस फाइव। ये कैंसिल हो जाने के बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। अब ये वाई की वैल्यू माइनस थ्री आई है तो इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और हम राइट करेंगे पुट वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में जहाँ पे वाई वेरिएबल है वहाँ पे हम माइनस थ्री पुट कर देंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व बाय थ्री इक्वल टू सिक्स बाय थ्री, कैंसिल होने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।